हाय एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश और मैं विकास कुमार आपका इंग्लिश टीचर। दोस्तों आज का क्लास कम्पिटेटिव इंग्लिश का क्लास है। इस क्लास को मैं कम्पिटेटिव इंग्लिश की क्लास में अपलोड करूंगा और जैसा कि आपको पता है कि कम्पिटेटिव इंग्लिश के अंतर्गत मैं पढ़ा रहा हूँ एक्टिव और पैसिव, इसलिए आज भी मैं पढ़ाऊंगा एक्टिव और पैसिव। क्लास को शुरू से अंत तक देखना क्योंकि मैं बड़े ही महत्वपूर्ण रूल्स पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों प्रेपोजिशन के बारे में आपने सुना है, मैं प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। प्रेपोजिशन अंग्रेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और प्रेपोजिशन अक्सर लोग मैं देखता हूं कि कंफ्यूज रहते हैं। नॉर्मली आप इतना ही जान लो कि प्रेपोजिशन को ऐसे तो कई लोगों ने कई तरह से कई भागों में बांटा है। एक तरह से प्रेपोजिशन को दो भागों में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है, एक होता है ओपन प्रेपोजिशन और एक होता है फिक्स प्रेपोजिशन। दोस्तों होता क्या है कि अनेकों वर्ब्स हैं जिनके प्रेपोजिशन फिक्स हैं और एक्टिव से पैसिव बनाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप भार्व जो है जिनका फिक्स प्रपोजिशन है, अगर फिक्स भार्व के साथ फिक्स प्रपोजिशन का यूज आप नहीं करते हो, किसी दूसरे प्रपोजिशन को यूज करते हो, तो आपका एक्टिव से पैसिव बनाना हो जाता है गलत। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं इन्हीं चार चीजों पर चर्चा करने वाला हूं कि वर्ब्स जिनके फिक्स प्रपोजिशन है उनको अलग नहीं करें, आप किन किन स्थितियों में भार्व और प्रपोजिशन को साथ आपको रखना पड़ता है। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि क्या है वर्ब्स, क्या है प्रपोजिशन और कैसे उसका यूज एक्टिव पैसिव में किया जाता है, कि एक्टिव पैसिव में आपसे क्या गलती हो जाती है। और इस क्लास को शुरू से अंत से देखोगे तो तय है कि आप जो ये छोटी सी गलती करते हो ये गलती कभी नहीं होगा। प्रेपोजिशन एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का। बिना प्रेपोजिशन के कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता इंग्लिश में। मैं प्रेपोजिशन करूंगा तो प्रेपोजिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन तत्काल एक छोटी सी बात को जान लो कि वर्ब्स हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रेपोजिशन फिक्स होता है। तो आप जिन वर्बों के साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स होता है उसमें आप चेंज नहीं ला सकते हो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है और आपके द्वारा एक्टिव पैसिव वॉइस में किए जाने वाली गलती को मैं कोशिश करूंगा कि आप अवॉइड करो, आज के बाद आपसे गलती ना हो। जैसे एक शब्द है आप देख सकते हैं यहां पर नो, नो के साथ क्या लगा हुआ टू, सेटिस्फाइड विथ, सरप्राइज एट, शॉक एट, इंटरेस्ट इन, प्लीज विथ, मेक ऑफ, वेक्स एट, ओवरग्रो विथ, एनॉय एट, वरी एट और कंटेनिंग। दोस्तों ये वर्ब्स हैं, दीज आर वर्ब्स एंड दीज आर देयर फिक्स प्रपोजिशन और ये उनके फिक्स प्रपोजिशन है। आप जब इन शब्दों को देखें तो आप इनके साथ इनके फिक्स प्रपोजिशन को लगाएं। एक्टिव पैसिव में क्या गलती होता है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में हमारा माइंडसेट होता है कि हम बाई पर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा सेंटेंस हमारे पास है आई नो यू, और आपको बोला जाता है कि एक्टिव सेंटेंस है आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, तो आप उसको लिखते हो यू, फिर लिखते हो आर, फिर लिखते हो नोन चूंकि भीतर चाहिए, फिर लिखते हो बाइंग बाइंग बाई मी और ये हो जाता है गलत, ये हो जाता है गलत। और ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने नो के साथ क्या लगा दिया, बाई का यूज कर दिया। ऐसा नहीं होगा, आपको नो के साथ टू लगाना पड़ेगा और ये हमारे स्टेटमेंट जो है वो सही सेंटेंस है। भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जिस वर्ब का जो प्रेपोजिशन फिक्स होता है आप उस वर्ब के साथ उसी प्रेपोजिशन का यूज करें। आप अगर किसी दूसरे प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो उसे गलत माना जाएगा, इसलिए सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और अक्सर मैं देखता हूं लोगों को, स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि जब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो आंख बंद करके वो बाई लगाते हुए चले जाते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो। लेकिन आज के बाद चेक कर लेना कि जो वर्ब आ रहा है उसके बाद जो प्रपोजिशन आ रहा है क्या उस वर्ब का कोई फिक्स प्रपोजिशन है। अगर उस वर्ब का कोई फिक्स प्रपोजिशन है तो आप फिक्स प्रपोजिशन कहां यूज करें। जैसे अगले सेंटेंस में देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है द न्यूज प्लीज्ड मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव में बना रहा हूं आई, ओके, ये पास्ट टेंस में इसलिए वाज प्लीज्ड, फिर मैंने लिखा बाय और फिर मैंने लिखा द न्यूज। अगर इस बात को ध्यान से देखो अब और बताओ कि क्या स्टेटमेंट सही है। नो इट्स नॉट राइट स्टेटमेंट, क्योंकि आप यहां पर देखो कि यहां पर प्लीज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है विथ और मैंने यहां पर क्या लगा दिया बाय, इसका मतलब ये हो गया गलत। तो भाई सही कैसे होगा? इसके सही करने का सिंपल सा तरीका है कि आप सब्जेक्ट को लो यहां पर आई, ओके ठीक है, आप वर्ब लो वाज, विथ लो प्लीज, लेकिन प्लीज के साथ आप बाय का यूज नहीं करके बीथ द न्यूज करके लिखो और अब जाकर के आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर आप अगले स्टेटमेंट में आ जाओ, सेवन डेज मेक अ वीक, अब मेक एक वर्ब है और आप चेक करो जरा कि मेक के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है, तो मेक के साथ आता ऑफ, यानी अब बाई लगाने की गलती मत करना, अगर बाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब सेंटेंस हमारा देखो ए वीक इज मेड बाई सेवन डेज, इट्स रॉन्ग, हमारा सेंटेंस होगा ए वीक इज मेड ऑफ सेवन डेज और इट्स राइट स्टेटमेंट। तो होता क्या है कि जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो तो आप ये समझ लेते हो कि ऑब्जेक्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करना है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में ये रूल हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि हमेशा बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हो। जब हमारे पास फिक्स प्रपोजिशन का केस आएगा वैसे वर्ब्स भी आएंगे आपके सामने जिनका प्रपोजिशन फिक्स होता है और वैसी स्थिति में आप बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको सावधानी
से देखेंगे और जीन वर्ब का जो प्रेपोजिशन होता है उनके साथ उसी प्रेपोजिशन को यूज करें तो फिर आपका एक्टिव से पैसिव चेंज करने का तरीका बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये रूल आप समझ गए। अब जरा मैं अगले रूल की तरफ चलता हूं, मैं दिखलाता हूं आपको कि नेक्स्ट रूल क्या है, उसमें आपको क्या करना है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं करते हो? आपके मन में सवाल आ रहा होगा किस गलती की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, एक छोटी सी गलती है, अक्सर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर जाते हैं। आप इस क्लास को देखो, इस रूल को देखो और समझने की कोशिश करो और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना। आप देख रहे हो मैंने यहां पर फ्रेजल वर्ब लिख रखा है, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, चैप्टर एक्टिव पैसिव चल रहा है तो फिर फ्रेजल वर्ब कहां से आ गया? जी हां, चूंकि एक्टिव पैसिव में फ्रेजल वर्ब का मामला है जहां पर आप गलती कर जाते हो, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। अब सबसे बड़ा सवाल कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है? तो देखो, वर्ब प्रीपोजिशन या वर्ब एडवर्ब, एक्चुअली वर्ब तथा प्रीपोजिशन या वर्ब तथा एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जो कि थोड़ा हटकर के मीनिंग देता है। यहां लिखा भी गया है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब व्हिच गिव्स डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। वर्ब तथा प्रीपोजिशन या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब जो कि थोड़ा सा हटकर के मीनिंग देता है उसको फ्रेजल वर्ब के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एज फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द लुक आफ्टर, एक शब्द लुक इन टू, एक शब्द लुक एट, गिव अवे, लिसन टू और लाफ एट। इन सभी शब्दों को देखो, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आया है, यही जो फ्रेजल वर्ब होते हैं। अब एक्चुअली जो फ्रेजल वर्ब एक्टिव वर्ब एक्टिव सेंटेंस में आ जाए, मतलब ये वर्ब अगर एक्टिव फॉर्म में आ जाए तो स्वाभाविक है कि इन वर्ब के साथ इसका प्रीपोजिशन या फिर इसका एडवर्ब रहेगा। तो पैसिव बनाते समय इन प्रीपोजिशन को गायब मत कर देना, क्योंकि एक माइंडसेट है आपके पास, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि बाई को हम लोग हटा देते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो आपको लगता है कि प्रीपोजिशन हट रहा है तो आप इस प्रीपोजिशन को भी हटा देते हो, तो ऐसी गलती मत करना। यानी कि वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन या फिर वर्ब के बाद जो एडवर्ब आता है, एक्चुअली वो फ्रेजल वर्ब कहला जाता है, अगर एक्टिव सेंटेंस में रहे, एक्टिव वर्ब में ऐसा कुछ रहे, तो पैसिव बनाते समय इस प्रीपोजिशन को, इन प्रीपोजिशन को आप वहां से नहीं हटा सकते हो। एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझोगे। एक सेंटेंस है मेरे पास यहाँ, राम लाफ्स एट मी, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस एंड आई विल कन्वर्ट इट इनटू पैसिव, मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगा। एज रूल, रूल के आधार पर मी विल बी सब्जेक्ट, अब तो मी तो अब सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई हो जाएगा। इट्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहां पर लिखेंगे एम, लाफ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड, ठीक है, और बाय मी मैंने लिख दिया, एट को यहां से मैंने गायब कर दिया। इट्स रॉन्ग, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम लाफ्ड एट बाय राम, आप लाफ के साथ आने वाले एट को नहीं हटा सकते हो यहां पर। अगले सेंटेंस में देखो, दे लुक आफ्टर मी, जब हम इसको बनाएंगे तो मी इधर आ जाएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, इसलिए आई के साथ एम लग जाता है। लुक वर्ब है, लुक का तीसरा फॉर्म होता है लुक, जिसे लुक लिखेंगे, आफ्टर आपको लिखना पड़ेगा, बाय देम लिखना पड़ेगा, बाय देम कंपल्सरी नहीं, आप इसको हर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये बाय को तो आप हटा सकते हो, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये कंपल्सरी, आप इसको नहीं हटा सकते हो। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जब भी सेंटेंस में, खास करके एक्टिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन एडवर्ब आ जाए और उसको जब तुम पैसिव में कन्वर्ट करो तो वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन एडवर्ब को मत हटाना, अगर हटाओगे तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे लगता है कि आपने जो रूल्स मैंने आज बताया अच्छी तरह से समझा, तब तक इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए जब तक मैं अगला क्लास अपलोड ना करूं, अगले रूल्स को नहीं बताऊं। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।